बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर सीरीज़ को देख रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 19 पढ़ने वाले हैं, जो कि है टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन क्या होता है कि आपकी आउटपुट जो होती है वो जिस स्क्रीन पर आपको नज़र आती है उसको आप डिस्प्ले स्क्रीन कहते हो। डिस्प्ले स्क्रीन की दो टाइप्स हैं, CRT मोनीटर होते हैं और फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेज होते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, उनमें हम आज के लेक्चर में CRT को डिस्कस करेंगे। CRT मोनीटर ये आपके पास पुराने टेलीविज़न की फॉर्म में होता है। ये थोड़ा हैवी होता है, जगह ज़्यादा लेता है और इसकी बैक बनी हुई होती है, फ्लैट नहीं होता, प्लेन नहीं होता, बल्कि बैक बनी हुई होती है। ये इसका मतलब ओवरलुक है। इंटरनल या इनसाइड सिस्टम इसका कुछ इस तरह से होता है। अब हम पढ़ लेते हैं CRT मोनीटर क्या होता है। CRT मोनीटर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली डिस्प्ले डिवाइस है। ये एक टेलीविज़न की तरह नज़र आता है। ये टेक्स्ट और ग्राफ, ग्राफ से मुराद कोई भी वीडियो, तस्वीर, कोई भी चीज़ आपको दिखाने के लिए CRT मोनीटर का इस्तेमाल होता है। वर्किंग ऑफ द CRT मोनीटर, CRT की वर्किंग क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। CRT जो होता है ये यूज़ करता है कैथोड रे ट्यूब, या यूँ कह लो CRT स्टैंड फॉर द कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कोई भी इमेज शो करवाने के लिए। इसके अलावा यह एक ही एक से ज़्यादा गन्स पर मुश्तमिल होता है, जो क्या करती हैं, फायर करती हैं या बीम्स की बौछाड़ करती हैं किसके ऊपर, आपके कंप्यूटर जो इनसाइड स्क्रीन होती है उसके ऊपर ये स्क्रीन पर बौछाड़ करती हैं, जिससे इमेज क्रिएट होती है। इसके अलावा ये जो इसकी स्क्रीन पर ये जो टिनी डॉट्स होते हैं, जिनको आप पिक्सल्स भी कहते हो, वो तमाम के तमाम कोटेड होते हैं, फास्फोर से बने हुए होते हैं, जिसकी मदद से आपको इनसाइड स्क्रीन पे इमेजेस वगैरह नज़र आती हैं। डॉट कहते हैं पिक्सल्स को। बीम जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं और बार बार रिपीट की जाती हैं स्क्रीन की सरफेस पे, ताकि इमेज बनती रहे। हर बीम जो होती हैं टेक ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वो कहते हैं हर एक सेकेंड के लिहाज से जो स्क्रीन के ऊपर आपकी इमेज होती है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बौछार होती रहती है, एक फ्रैक्शन के लिहाज से स्क्रीन पर, ताकि इमेज शो होती रहे। CRT कलर मोनीटर्स जो होते हैं इनमें तीन गन्स होती हैं, और वो गन्स जो होती हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स की जो बीम्स होती हैं उनका छिड़काव करती हैं, जिससे बाकी इमेज बन जाती हैं। अदरवाइज जो कलर्स होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं इन्हीं तीन कलर्स के कम्बिनेशन के साथ। इसको हमेशा RGB कलर्स ही कहने हैं, इसको आप चेंज नहीं करोगे, RGB नहीं कह सकते, RGB ही कहोगे। एक काम करता है, ये तीन कलर्स होते हैं, इन तीन के कम्बिनेशन से जो कलर्स बनते हैं वो हमें डिस्प्ले स्क्रीन या CRT मोनीटर स्क्रीन पर नज़र आते हैं। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें कैथोड रे ट्यूब्स है और तीन इलेक्ट्रॉनिक गन्स लगी हुई हैं। वो तीन इलेक्ट्रॉनिक गन्स क्या करती हैं, हमारे पास तीन दो प्लेटें होती हैं, एक एक्स प्लेट होती है और एक वाई प्लेट होती है। उनके अंदर से क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बीम्स जो होती हैं वो आगे जाती हैं। जो ये जो प्लेट्स होती हैं वो कैथोड रे ट्यूब से बनी हुई होती हैं, ट्यूब बनी होती है उसके अंदर होती हैं, उधर से क्रॉस करती हैं। क्रॉस करने के बाद ये जाकर आपकी स्क्रीन पर बौछाड़ जो होती है वो बीम्स की, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स की बौछाड़ होती है, जिससे क्या होता है कि ये जब रेड, ग्रीन, ब्लू आपकी स्क्रीन के पिक्सल से टकराते हैं तो उसके बाद आपकी स्क्रीन पर इमेजेस बनना शुरू हो जाती हैं। ये एक छोटी सी डायग्राम थी, जब पेपर आए तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, और इससे भी इजी डायग्राम आपकी बुक में बनाई गई है, आप वो भी बना सकते हो। CRT के बारे में पूछा जाए तो डायग्राम ज़रूर बनाइए। इसी के साथ हमारा लेक्चर कम्प्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।